जिला बिलासपुर के माकड़ी पंचायत के काटपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। लड़ाई के अगले दिन एट्रोसिटी एक्ट के तहत क्रॉस केस दर्ज होने के बाद स्वर्ण समाज भी भड़क उठा है। इस विषय को लेकर देवभूमि क्षेत्रीय संगठन व अखिल भारतीय महासभा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय बिलासपुर के बाहर जमकर नारेबाजी की और रोष व्यक्त किया। इस दौरान देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर की अगुवाई में एसपी दिवाकर शर्मा को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि स्वर्ण परिवार की पिटाई के बाद एट्रोसिटी एक्ट के तहत दूसरे पक्ष ने झूठा मामला उन्हीं पर बनवा दिया है। पीड़ित परिवार पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत की गई एफआईआर रद्द की जाए व मारपीट के आरोपी दूसरे पक्ष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार भी किया जाए। पीड़ित लड़की के पिता प्रताप ने बताया कि आरोपियों ने उसकी 21 वर्षीय बेटी पर पत्थरों व डंडों से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उनकी नाक की हड्डी भी टूट गई। एक बार किसी और लोगों को पूछ के देखो कि प्रताप का शान क्या है। हम ऐसे सेवक हैं कि मेरा रहन सहन हरिजन समाज से है। एक भी आदमी अगर बोल देता है तो मैं अपनी गिरफ्तारी उसी टाइम दे दूंगा। इन लोगों के अलावा हरिजन समाज का एक भी आदमी बोल दे कि नहीं प्रताप ये बोलता है या कभी किसी को बोला है तो मेरी गिरफ्तारी, और मैं आए ही गिरफ्तारी देने था। मेरी पूरी फैमिली के ऊपर मेरे लड़के ही है और एक मैं मतलब बेरोजगार ही हूँ समझो, और अपने प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर के पास आईपीएस में काम करता हूँ और पहले अपने बेलदारी करता हूँ और अब जो है ये सोच लो कि मैं एक गिरफ्तारी देने आया हूँ अपनी। इस मुद्दे पर डीएसपी राजकुमार ने बताया कि जिस दिन झगड़ा हुआ उसी दिन तत्काल केस दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल भी करवा दिया गया है। अब डॉक्टर्स के पैनल की रिपोर्ट का इंतजार है, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई संभव हो पाएगी। झगड़े के अगले दिन दूसरे पक्ष ने एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज करवाया है, जिसकी भी निष्पक्ष जाँच की जा रही है। ये सर 21 तारीख को शाम के टाइम एक मामला ध्यान आया था जो कटपुर गांव है, वहाँ से एक लड़की के साथ मारपीट हुई है। तो उस पर जो है उस लड़की का तुरंत जो आई ओ सदर थाना से आई ओ भेज के उसका मेडिकल करवाया गया और उनकी कंप्लेंट पर जो है FIR दर्ज की गई। सेकेंडली दूसरे पक्ष द्वारा भी कंप्लेंट दी गई है तो उसके ऊपर भी FIR इमीडिएटली दर्ज की गई है और दोनों मामलों की जो तफ्तीश जो है कंटिन्यू है। तो आज एक प्रतिनिधिमंडल कार्यालय में आया था तो उनकी जो वो है उसके बिहार पर भी गहनता से जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये जो लड़की है जिसको बताया था कि मारपीट हुई है उसके उसमें जो डॉक्टर साहब ने ग्रीवी चोट लगना जो दी थी जिस पर जो है वो सेक्शन आयर की गई थी, लेकिन इसके अलावा भी इसमें जो है वो दोबारा से एक टीम के माध्यम से जो है वो डॉक्टरों की टीम के माध्यम से इसमें रीओपिनियन के लिए जो है वो पुनः जो है वो एप्लीकेशन दायर की जा रही है। जो भी जैसी भी ओपिनियन आएगी उसके बाद जो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दोनों तरफ से बिल्कुल निष्पक्ष जो है इन्वेस्टिगेशन चली हुई है और एक में जो लड़की वाला मैटर है उसमें SHO साहब को खुद जिम्मेवार दी गई है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें और जो दूसरा मामला है वो मैं खुद देख रहा हूँ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी SP साहब के जो भी दिशा निर्देश हैं उनके ऊपर जो प्रॉपरली जो है पालना की जा रही है।